नमस्कार. बीकेबी न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात मी ऐश्वर्या शिंदे आपलं स्वागत करते. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. आजपासून नवरात्र उत्सवाला होणार सुरुवात. कामठी शहरात 50 पेक्षा जास्त सार्वजनिक दुर्गा प्रतिमेची होणार स्थापना. गोंदिया शहरातील शासकीय आदिवासी शाळा माजिदपूर येथील काही विद्यार्थी अचानक झाले बेशुद्ध. रुग्णालयात उपचार सुरू. आणि भारतीय जनता युवा मोर्चातर्फे पाकिस्तानचं समर्थन करणाऱ्यांच्या विरोधात पाकिस्तानचा झेंडा जळवून करण्यात आले आंदोलन. PFIच्या अटक सत्राचं केले समर्थन. आजपासून नवरात्र उत्सवाला सुरुवात होणार आहे. पूजा अर्चना करत प्रथम दिवशी घटस्थापना करत देवी प्रतिमेची स्थापना करण्यात येणार आहे. याकरिता सार्वजनिक दुर्गा उत्सव मंडळांतर्फे मोठ्या प्रमाणात तयारी देखील करण्यात येत आहे. तर सार्वजनिक मंडळातर्फे रंगरंगोटी भव्य दिव्य पंडाल लावण्यात आले आहे. तर यावेळेस नवरात्रीचा मोठा उत्साह नागरिकांमध्ये पाहायला मिळतोय. कोरोना काळाच्या 2 वर्षांनंतर उत्सवाला परवानगी मिळाल्याने भक्तांमध्ये मोठा उत्साह दिसून येतोय. तर कामठी शहरात 50 पेक्षा जास्त सार्वजनिक दुर्गा प्रतिमेची स्थापना करण्यात येणार आहे. दुर्गा उत्सव पाहता शहर पोलीस देखील सज्ज झालेली आहे. तर हा उत्सव शांततेने आणि आनंद उत्सव म्हणून साजरा करावा असे आवाहन पोलिसांतर्फे नागरिकांना करण्यात आले आहे. भारत देश 1947 स्वतंत्र झाला तेव्हापासून कामठी येथील गुजरी बाजार गांधी चौक येथे गांधी मंचावर भारत माता प्रतिमेची स्थापना करण्यात येते. तर यावर्षी देखील सुंदर भारत माता प्रतिमा तयार करण्यात आली आहे. या प्रतिमेला मूर्तिकारांनी अंतिम स्वरूप देऊन आज या मूर्तीची गांधी मंच येथे स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहिती मंडळाचे सदस्य महेश शर्मा यांनी यावेळी दिली आहे. 1947 मूर्ती की स्थापना हुई है. अभी इस वक्त 76वां वर्ष है. इसके पहले नागपुर से लाते थे. फिर उसके बाद में केसर पेंटर ने बनाया मूर्ति और एक साल मधुकर पेंटर ने भी बनाया है. उसके बाद किसन पेंटर जी का देहांत हो जाने के बाद से विजय पुरमटकर जी ने इसका जिम्मा ले लिया. तो आज तक चल रहा है. देश की आज़ादी के उपलक्ष्य में बैठाए थे 1947 से. इसलिए भारत माता का स्वरूप है वहाँ पर. उत्साह तो बहुत है सभी में. हर किसी मंडल में गणेश में भी रहा और दुर्गा उत्सव में भी रहा है. ये भी गणेश जी के बीच में ही नवरात्र की ऑर्डर आ जाते हैं और लेकिन कुछ जगहों न मिलते हुए गणेश जी विसर्जन के बाद इसका काम शुरू होता है. ये 15 दिनों में अभी हमने मूर्तियाँ तैयार की है और बारिश के चलते हमको इस बार सिलेंडर की सेकाई ज़्यादा देते ज़्यादा किए इसलिए आज ये मूर्तियाँ यहाँ तक काम पहुँचा है रेडी हुआ. इस बार नया श्रृंगार दिया है. माता को नेकलेस वगैरह लाया एक से और हाथों में कंगन चूड़िया और माथे की बिंदिया वगैरह नए नए पैटर्न के ला के इस बार श्रृंगार का हमने उसको सजा किया है. इस बार थोड़ी उम्मीद जगी है. 2 साल जो हमने जो नुकसान हमें हुआ है इस बार थोड़ा सा उसका हल्का सा बेनिफिट हमें इस बार मिला है क्योंकि 2 साल हमने मंडलों वालों को भी सपोर्ट किए है. कम रेट में मूर्तियां बना के दिए हमने. बीकेबी न्यूज साठी कामठी येथून नितिन रावेकर यांची रिपोर्ट. श्री गणेश ग्रामीण विकास शैक्षणिक संस्था आणि एकात्मिक विकास प्रकल्प देवरी जिल्हा परिषदेच्या वतीने दीक्षांत समारंभात पॅरामेडिकल परिचारकांना बक्षीस देण्यात आले. स्थानिक राधाबाई बहेकर नर्सिंग स्कूल समारंभात पॅरामेडिकल आणि नर्सिंग स्कूलमधील 80 विद्यार्थ्यांनी पाहुण्यांसोबत शपथ घेतली. श्री गणेश ग्रामीण विकास शैक्षणिक संस्था व एकात्मिक विकास प्रकल्प देवरी जिल्हा परिषदेच्या वतीने दीक्षांत समारंभात कुसुमधर घोरपडे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन अध्यक्षस्थानी प्रमुख पाहुणे संस्थापक विजय बहेकर धन्नालाल नागरीकर गजानंद उमरे रामकृष्ण चौधरी सतीश नागिरेड्डी उपस्थित होते. समारंभाचे अध्यक्ष घोरपडे यांनी विद्यार्थ्यांना शासनात उत्कृष्ट कार्य करून उत्कृष्ट शिक्षणाचे नाव रोशन करावे असा सल्ला दिला. संस्थापक विजय बाहेकर यांनी शिक्षणाचे महत्त्व सांगून उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. लीला बाहेकर यांनी संचालन केले. कसं आहे नर्सिंग क्षेत्रामध्ये सगळ्यात लहान ट्रेनिंग आहे 2 वर्षाची. त्याच्यानंतर जी एन एम नंतर BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग MSc PhD अशा प्रकारची सुरुवात आहे. परंतु प्रत्येक माणूस आजच्या जगामध्ये रोजगारासाठी कोणताही कोर्स करतो तर रोजगार मिळायला पाहिजे.
आता रोजगार बीए केल्यानंतर तुम्हाला रोजगार मिळतो, बारावी केल्यानंतरही रोजगार मिळतो, तुम्ही कोणती ट्रेनिंग कराल तर तुम्हाला रोजगार मिळतो. तर नर्सिंग हा असा एक प्रोफेशन आहे की त्याचा धमका रोजगार पूर्ण भारतातच आहे, पूर्ण विश्वामध्ये रोजगार आहे. आज या ठिकाणी जितकेही उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी आहेत त्यांचं मी अभिनंदन करतो आणि ज्यांनी प्रशिक्षण दिलं त्यांचं या ठिकाणी कौतुक करतो आणि माझ्या शब्दांना इथे विराम देतो. व्हीकेबी न्यूज साठी गोंदिया येथून सतीश पारधी यांची रिपोर्ट. गोंदिया गावातील शासकीय आदिवासी शाळा माजिदपूर येथील 120 आदिवासी विद्यार्थ्यांना एका टेम्पो मध्ये तिरोडा तालुक्यातील कोयलारी आश्रमात खेळण्यासाठी नेले जात होते. त्याच टेम्पो मध्ये परत आणत असताना काही मुले बेशुद्ध पडली. बेशुद्ध झालेल्या सर्वांवर रुग्णालयात उपचार सुरू झाले आहेत, तसेच 3 विद्यार्थ्यांना गोंदियाला पाठवण्यात आले आहे. किती वेळ लगीत लोक होते का 120 घरी लगीत होते, त्यामुळे चक्करून पडले. जीवन बरोबर होता का शाळेच्या? इथे 3 मुली ॲडमिट आहेत, त्या तिन्ही मुलींना मी भेट दिली आहे आणि त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. पुढील कार्यशील कामे आम्ही करतो. बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक विश्रामगृह येथे 25 सप्टेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत बुलढाण्याचे दीपक शेंडे व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी RSS देशात संविधान बदलण्याचा कट टचत असल्याची माहिती DNA काउन्सिल ऑफ इंडियाने दिली आहे. हरियाणा बंद करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशात EVM घोटाळ्याच्या विरोधात कामगारांचे कायद्यात रूपांतरण करणे, आदिवासींचे जबरदस्तीने धर्मांतर करणे आणि बुद्धाचा वारसा हस्तगत करणे, मेघवाल हत्याकांडाच्या विरोधात आंदोलने करत अनेक कार्यकर्ते अडकले होते, त्यातच मेघवाल हत्याकांडाच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले, आरोपी सोडण्याचा विरोध आदी मागण्यांसाठी विराट मोर्चा ज्यामध्ये माजी न्यायमूर्ती वीरेंद्र यादव, हर्ष बोधी, अब्दुल रहमान, विकास पटेल आदी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती दीपक शेंडे बुलढाणा यांनी पत्रपरिषदेत दिली आहे. बहुजन क्रांती मोर्चा, भारत मुक्ती मोर्चा व बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन नायक माननीय मेश्राम साहब, उनके निर्देश पर देशभर में पूरे महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसी के माध्यम से हम आज गोंदिया डिस्ट्रिक्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आप सभी के माध्यम से ले रहे हैं. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बताना चाहते हैं कि 6 अक्टूबर 2022 को जो माननीय मेश्राम साहब ने RSS हेडक्वार्टर नागपुर पर जो विशाल महारैली का आह्वान किया है, उस महारैली के विषय पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है. ये महारैली 12 मुद्दों पर माननीय वामन मिश्रम साहब ने अपील की है. जो देश में आज शासक वर्ग जो ब्राह्मण समाज के लोग इस देश को चला रहे हैं, उनका DNA विदेशी है, और ये सिद्ध करने के लिए DNA परिषद जो कि हरियाणा के रोहतक में भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से ले जा रही थी 27 जून 2022, उसको ब्राह्मणों ने या ब्राह्मणों के संगठनों ने वहाँ पर खारिज कर दिया और माननीय वामन मिश्रम साहब को जान से मारने की धमकी दी. 21 जून 2022 को कानपुर में बामसेफ का राज्य अधिवेशन उत्तर प्रदेश में चल रहा था, वहाँ पर भी ब्राह्मण प्रशासन पुलिस के लोग आकर वहाँ पर वो अधिवेशन बंद किया और कुछ हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. ये सब EVM के माध्यम से ये ब्राह्मण शासक वर्ग जो कर रहा है उसका जो असली षड्यंत्र है EVM मशीन है, इस EVM मशीन के विरोध में और ये पहले के 2 मुद्दों के विरोध में ये महारैली का आह्वान माननीय वामन मिश्रम साहब ने दिल्ली से किया था, इसीलिए ये विशाल महारैली का आयोजन नागपुर में किया गया है 6 अक्टूबर 2022 को. अगला मुद्दा है 1931 से जो OBC की जाति आधारित गिनती देश में नहीं हो रही है, उस जाति आधारित गिनती होना चाहिए और जाति आधारित गिनती होने के बाद उन्हें वो मूलभूत अधिकार मिलने चाहिए, इसलिए OBC के मुद्दे पर भी ये महारैली का आह्वान किया गया है. अगला मुद्दा है सारे देश भर में जो OBC बांधव है उनको जबरन हिंदू बनाए जाने के या फिर
जो आदिवासी बांधव है उन आदिवासी बांधव को जबरन हिंदू बनाए जाने के षड्यंत्र के विरोध में ये महारैली का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में 6 धर्म के लोग जो समानता को मानते हैं, तो समानता को मानने वाले अगर 6 धर्म है तो ब्राह्मणीय शासक वर्ग के संगठनों के द्वारा या RSS के द्वारा इस देश में ब्राह्मण धर्म के नाम पर हिंदू धर्म के नाम पर ब्राह्मण धर्म क्यों थोपा जा रहा है, इस षड्यंत्र के विरोध में भी ये महारैली का आयोजन किया गया है। सभी धर्म परिवर्तित मुस्लिम आयोजन है। साथियों, इसका अगला मुद्दा है कि RSS द्वारा उनके ऊपर जो अत्याचार बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, उनके सारे परिवार को मार दिया गया, उस सारे षड्यंत्र के खिलाफ भी ये मोर्चा है, क्योंकि वहाँ के भाजपा सरकार ने एक कमेटी बिठाकर, उन्होंने जब माफीनामा कोर्ट को कहा, हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, तो एक कमेटी बिठाकर राज्य शासन ने कलेक्टर द्वारा उनको वो बाइजलपुरी कर दिया। तो इन सारे षड्यंत्रों के खिलाफ में माननीय मोहन मिश्रम साहब ने दिल्ली से ये विशाल महामोर्चा नागपुर से जो बेजरबाग ग्राउंड है इंदौरा के पास, उस मैदान से वो रैली सुबह 11 बजे शुरू होगी और आगे वो RSS का जो मोहन भागवत का जो देश का जो मुख्यालय है जिसको हेडक्वार्टर कहते हैं, उस हेडक्वार्टर पर जाके ये रैली विशाल महारैली समाप्त होगी। ऐसा हम इस पत्रकार परिषद में सभी सहयोगी संगठन की तरफ से ये अपील करते हैं पत्रकार बंधु भगिनी को और गोंदिया के सभी 6 धर्म को मानने वाले, समानता को मानने वाले सभी मूल्यवासी बहुजन समाज को, सभी बहुजन सहयोगी संगठन को, सभी पार्टियों को, सभी लीडर को, नेताओं को हमेशा यहाँ से अपील करते हैं, विनती करते हैं कि इस विशाल महारैली में संविधान बचाने के लिए, अपनी विरासत बचाने के लिए, अपने हक अधिकार बचाने के लिए इस महारैली में बड़े पैमाने पर शामिल हो जाए और साथ सहयोग करें। तर वे झाली आहे एका छोट्याशा विश्रांतीची, भेटूया विश्रांतीनंतर। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले, अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। विश्रांतीनंतर आपले स्वागत। 25 सप्टेंबर रोजी भारतीय जनता युवा मोर्चातर्फे नागपूर महानगरात पाकिस्तानचा झेंडा जळवून विरोध दर्शवण्यात आलाय, आणि पाकिस्तान जिंदाबादचा नारा भारतात खपवला जाणार नाही, पाकिस्तान मुर्दाबाद आहे आणि मुर्दाबादच राहील असे खमकून सांगण्यात आले। तसेच PFIच्या अटक सत्राचे समर्थन करत जे पाकिस्तानचे समर्थन करतात त्यांना चेतावणी देखील देण्यात आली आहे। सध्या NIA तर्फे देशभरात 97 जागांवर छापेमारी सत्र सुरू आहे, त्यात पुण्यात देखील छापेमारी करण्यात आली।
ही कारवाई सुरू असताना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या कार्यकर्त्यांनी पुण्यात एकत्रित येऊन नारी निदर्शने करण्यास सुरुवात केली. इतकंच नाही तर पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे देखील लावण्यात आले. याच्या विरोधार्थ भारतीय जनता युवा मोर्चातर्फे नागपूर महानगरात पाकिस्तानचा झेंडा जळवून विरोध दर्शवण्यात आलाय. तसेच भारतात राहून पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे लावणे चुकीचे असून जे अशा प्रकारचे कृत्य करतील त्यांना सोडल्या जाणार नाही अशी चेतावणी भारतीय जनता युवा मोर्चातर्फे देण्यात आली आहे. कल पुणे में इनायने 97 जगह पे देशभर में छापेमारी की, उसमें पुणे भी है. छापेमारी करते टाइम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ कार्यकर्ताओं ने एकत्रित हुए पुणे में नारे निदर्शन करना चालू किया. नारे निदर्शन करना ये कोई गलत बात नहीं है, पर नारे निदर्शन करते टाइम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, अल्लाह अकबर के नारे लगाए, ये बात गलत है. ये देश, इस देश में पाकिस्तान सबसे बड़ा शत्रु अगर हिंदुस्तान का कोई है तो पाकिस्तान है. उसको कोई भी अपने गले लगाएगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उस देश के शत्रु को छोड़ा नहीं जाएगा और पाकिस्तान का जयघोष करने वाले को भी छोड़ा नहीं जाएगा. ऐसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये उनके मानसिकता के लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए. ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी उन्होंने बोला है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएंगी और हमारा इसके ऊपर रोष है. इसीलिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे महाराष्ट्र पर उतर कर, रस्ते पर उतर कर ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI इसके विरोध में आंदोलन किया है. जो भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ में कड़ी सी कड़ी कार्रवाई करने का मांग हम करेंगे और रस्ते पर उतर कर जोर से इसका विरोध करेंगे. इतना ही हमारा विषय. आज भारतीय जनता युवा मोर्चात युवा मोर्चाने नागपूर महानगरामध्ये पाकिस्तानचा झेंडा इथे जाळलेला आहे. पाकिस्तान जिंदाबादचा नारा हा भारतामध्ये महाराष्ट्रामध्ये खपवून घेतला जाणार नाही. पाकिस्तान मुर्दाबाद आहे, मुर्दाबादच राहील. आणि PFIचं जे अटक सत्र सुरू झालेलं आहे निसंदेह ते फार महत्त्वाचं होतं. आणि जे लोक पाकिस्तानचं समर्थन करतात त्यांना जर आम्ही इथे सांगितलं की आज आम्ही पाकिस्तानचा झेंडा इथे जाळलेला आहे, जर का तुम्ही जर काही असे नारे लावणं बंद केलं नाही तर तुम्हाला ज्या भाषेत समजेल त्या भाषेत उत्तर देऊ. VKB न्यूजसाठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह ऐश्वर्या शिंदे यांची रिपोर्ट. गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात गडचिरोली जिल्ह्याच्या जंगलात वास्तव्यात असलेले हत्ती गोंदिया जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. शंकरपूर गोडगे मार्ग ते अर्जुनी मोरगाव तालुक्याच्या खुर्द गावानजीकच्या जंगलात अनेकांनी या गजराजाचे दर्शन घेतले आहे. काही प्रमाणात शेतातील धान पिकाचेही नुकसान या गजराजामुळे झाल्याचे समोर आले आहे. तर वन विभागाने परिसरातील लोकांना खबरदारीची सूचना दिली आहे. आज नवरात्री उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोराडी येथील देवीच्या मंदिरात देवीचे दर्शन घेतले. आजपासून पुढील 9 दिवस घरोघरी देवीची पूजा केली जाते. विविध सार्वजनिक मंडळांतर्फे देवीची स्थापना केली जाते. कोरोना काळाच्या नंतर 2 वर्षांनी हा उत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातोय. तसेच नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण बघायला मिळत आहे. शहरातील देवी मंदिरांमध्ये भक्तांच्या रांगा दिसायला सुरुवात झालीय. तर VKB न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात आता एवढंच. पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसह. बघत रहा VKB न्यूज. नमस्कार.